तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसकनसेप्शन है जो कि पढ़ रहे हम थर्मल स्ट्रेस ठीक है है तो थर्मोडाइनमिक का ये हिस्सा लेकिन इसमें तुम्हारा एक स्ट्रेस का यानी कि प्रतिबल का एक बहुत ही बड़ा मिसकनसेप्शन जो है वो दूर होने वाला है समझना उसको जरा थर्मल स्ट्रेस ठीक है अब हिंदी में इसको तापीय प्रतिबल कहेंगे तो अगर चाहो तो वो भी लिख सकते हो ठीक है अब इसमें क्या होता है सपोज करो मैंने तुम्हें एक रोड दी ठीक है ये तुम्हारे पास एक रोड है इसमें सिलेंडर भी होने चाहिए ना सिलेंडर नहीं है इसमें फिगर के रूप में लेट से ये टेम्परेचर टी के ऊपर है ठीक है इसका लेंथ जो है वो लेट से एल नोट है और तुमने इसको हीट किया और उसको तुमने टेम्परेचर कर दिया मे बी टी प्लस डेल्टा टी डेल्टा टी से तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस रोड का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा है ना आ, वो इतना बढ़ गया लेट से तो ये जो रोड का जो लेंथ है ये हो जाएगा एल नोट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इतना सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से है ना लेंथ इतना ये तो तुमने कर लिया होगा ना थर्मल एक्सपेंशन उसमें तुमने कर लिया है ताप ये प्रसार के अंदर है ना तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना निकल करके आया वो निकल करके आया एल नोट अल्फा डेल्टा टी है ना ये एल नोट तो पहले से था ना लेंथ ये तो पहले यहां भी था यहां भी है एक्स्ट्रा कौन सा आया एल नोट अल्फा डेल्टा टी आया ठीक है तो क्या मैं इसको स्ट्रेन भी बोल सकता हूं तो अगर अगर कोई मेरे से ये सवाल पूछे सवाल क्या मुझसे मुझसे पूछे कि इसको डेल्टा टी तक हीट करने में कितना स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट होगा तो अगर सवाल किसी ने मेरे ये पूछ लिया कि फाइंड स्ट्रेस Developed in road, find stress developed in road when its temperature is increased from T to T plus delta. साइड में मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन रोड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी ये हमें गिवन कंडीशन थी तो हम क्या करेंगे अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो मैं स्ट्रेन निकाल लूंगा और यंग मॉडल से मल्टीप्लाई कर दूंगा आंसर आ जाएगा सिंपल तो मैंने कहा कि यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू यानी कि विकृति का वैल्यू कितना आ गया चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ हो गया यहाँ पे एल नॉट अल्फा डेल्टा टी ओरिजिनल लेंथ हो गया एल नोट एल नोट से एल नोट कट गया तो स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो यहां पर निकल करके आ गया अल्फा डेल्टा टी ठीक है स्ट्रेन का वैल्यू ये निकल करके आ गया अब स्ट्रेस कैसे निकालेंगे अब स्ट्रेस होगा आ, तुम जानते हो हुक्स हुक्सलो क्या बोलता है यंग मॉडल इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन तो सॉरी ये एक सेकेंड मैं व्हाट्सएप बंद कर देता हूं ताकि ये बीच में डिस्टर्बेंस ना हो ठीक है तो स्ट्रेस का वैल्यू जो है यहां से निकल करके आ गया, यंग तो ये हमारा स्ट्रेस का वैल्यू निकल करके आ गया है ठीक है सिंपल है सभी को बात समझ में आ रही है सवाल था एक एल नोट की रोड है उसका टेम्परेचर टी है तुमने हीट किया ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए कहां तक टी प्लस डेल्टा टी तक तो उसके लेंथ में चेंज आएगा लेंथ में चेंज आ गया तो स्ट्रेन आ गया स्ट्रेन आ गया तो स्ट्रेस आ गया ठीक है और हमसे स्ट्रेस ही पूछा गया था तो ये इसका आंसर हो गया जो कि आंसर है गलत तो ये जो आंसर है दिस इज अ रोंग आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर इसका है कि स्ट्रेस जो है वो होगा जीरो कोई भी स्ट्रेस इसके अंदर पैदा नहीं होगा कोई भी स्ट्रेन इसके अंदर पैदा नहीं होगा यानी कि यह वक्त है अब तुम देख तो पा रहे हो स्ट्रेन तो पैदा हो रहा है लेंथ तो बढ़ रही है इसका मतलब है यह वक्त है अपने को देखने का कि असल में स्ट्रेन किसको कहते हैं असल में स्ट्रेस जो है वो क्या होता है ठीक है तो स्ट्रेस तो इसलिए जीरो क्योंकि स्ट्रेन जीरो यानी कि हमें स्ट्रेन के डेफिनेशन को यहां पर समझने की जरूरत है तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रेन के डेफिनेशन को समझते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा इसका आंसर जीरो क्यों आया तो स्ट्रेन जो है यानी जिसको विकृति कहते हैं हिंदी में ये क्या होता है ये होता है कि मोलिक्यूल्स एक डिजायर्ड लेंथ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं मोलिकल्स की चाह है सपोज करो दो मोलिकुल्स के बीच की चाह है कि हमारे बीच का डिस्टेंस एक मीटर हो अगर दो मोलिकुल्स के बीच का डिस्टेंस वो मोलिक्यूल चाह रहे हैं कि एक मीटर हो बट तुमने फोर्सफुली उसको 1.1 मीटर कर दिया जाहिर सी बात है दो मोलिकल के बीच में 1.1 होगा तो बाकियों के बीच में 1.1 होगा तो ओवरऑल जो है रोड की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी काफी ठीक है तो मैं सिर्फ दो मोलिक्यूल का यहां पे तुम्हें लेकर के समझा रहा हूं अगर दो मोलिक्यूल्स चाह रहे हैं कि उनके बीच की लेंथ जो है वो वन मीटर हो बट तुमने फोर्सफुली या तो 1.1 मीटर कर दी या 0.9 मीटर कर दी जो कि वो चाह नहीं रहे यानी कि उनकी जो नेचुरल पोजीशन है वो अलग है और तुमने फोर्सफुली उनको किसी अलग पोजीशन पर तुम लेकर के आए हुए हो जिसके कारण वो क्या करते हैं उसको अपोज करते हैं और वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या हुआ कि जो भी

तो टेम्परेचर टी पे हो तो डिजायर्ड लेंथ तुम्हारी ये ठीक है ये तुम्हारी डिजायर रहना चाह रहे हैं टी टेपरेचर के ऊपर अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी लेंथ जो डिजायर्ड लेंथ है डिजायर्ड या बोल सकते हो या नेचुरल बोल सकते हो वो अपने आप में बढ़ गई होगी क्योंकि अब देखो टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो मोलिकुल तेजी से वाइब्रेट करेंगे पहले थोड़ा धीरे धीरे वाइब्रेट करे अब तेजी से करेंगे तेजी से करेंगे तो उनके बीच का जो गैप है जितना वो चाह रहे हैं वो बढ़ जाता है ठीक है तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक फैमिली है थोड़ी शांत फैमिली है तो फैमिली मेंबर्स के बीच का जो गैप है वो तुम कम रख सकते हो ठीक है मतलब अगर दो तीन मीटर तक रहे तो फैमिली मेंबर तो कोई झगड़ा नहीं होगा ना एक बहुत ही आतंकी फैमिली आतंकी मतलब सेंस में कि बहुत ही गर्म स्वभाव की फैमिली है उनको थोड़ा दूर दूर रहने की जरूरत है जैसे ही वो पास पास आएंगे तो उनमें है ना तो दोनों अलग अलग जो है स्वभाव की फैमिलियों में अलग अलग डिस्टेंस जो है वो रखना चाहेंगे एक दूसरे से जो मेंबर्स हैं सेम कहानी यहां पर भी है जब ये ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इनका बीच का जो नेचुरल जो जो दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है जिसके कारण ओवरऑल जो नेचुरल जो लेंथ है वो बढ़ जाती है तो यहां पर इसकी लेंथ एल नोट थी तो यहां पर जो ये लेंथ है ये एल नोट प्लस में एल नोट अल्फा डेल्टा टी हो गई है ठीक है तो अब ये जो लेंथ है ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्ट्रेन में आ गया इसकी लेंथ जरूर बढ़ गई यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है कि लेंथ बढ़ना स्ट्रेन नहीं होता स्ट्रेन क्या होता है जो डिजायर्ड तुम्हारी अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं जो तुम्हारी डिजायर्ड जो तुम्हारी जो लेंथ है उससे तुम अगर उसको बढ़ा दो अभी ये टी प्लस डेल्टा टी पर चाह रही है कि मैं इस लंबाई में रहूं एल नोट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी इसमें ये रहना चाह रही है ठीक है ये थोड़ा मैंने तीर यहां पे बना रखा है ठीक है तो इसको थोड़ा मैं और ढंग से बना देता हूँ इसको थोड़ा सा ना ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो ये वाली बात तुम समझ पा रहे हो यहां पर टी टेम्परेचर पर इसकी चाहत थी तो इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ये जो है ये अपना होगा एल नोट अल्फा डेल्टा टी ठीक है थोड़ा एल नॉट सही से नहीं लिखा गया अरे यार फिर से करना पड़ेगा तो एल नोट अल्फा डेल्टा टी तो यहां पर टी टेम्परेचर पर ये चाह रहा था कि मैं लट से 50 सेंटीमीटर लेंथ जो इसकी थी तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया रूम टेम्परेचर से तुमने लेट से उसको ले गए तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे वहां पर वो चाह रही है कि फिफ्टी वन सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ वो रहना चाह रही और तुमने उसको होने दिया तो होने दिया तो उसके अंदर कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं है यहां पर हम बोलेंगे कि एल नॉट जो है वो टेम्परेचर टी पर नेचुरल लेंथ है एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डी ये सॉरी अल्फा टी ये टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पर नेचुरल लेंथ है अगर अगर ये नेचुरल लेंथ है तो इसके मोलिकुल्स किस कोई भी स्ट्रेन अनुभव नहीं कर रहे हैं वो कहीं भी जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि चलो वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन में चलते हैं। नहीं वो मानते यही हमारा अब नया पोजिशन है हमें इसी में ही रहना है स तुम टेम्परेचर डिक्रीज ना करो अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे फिर वापस इसी में चले जाएंगे तो यहां पर भी मोलिकल्स कोई स्ट्रेन अनुभव नहीं कर रहे हैं कोई स्ट्रेस फील नहीं कर रहे हैं हमें अपने वापस ओरिजिनल पोजिशन में जाना है और यहां पर भी तुम्हारे कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन अनुभव नहीं कर रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही केस में हम बोलेंगे हालांकि लेंथ जरूर बढ़ गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेन यहां पर आ गया ठीक है तो यहां पे बोलेंगे कि यहां लेंथ जरूर इंक्रीज हो गया है लेंथ जरूर जरूर मैंने हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया जरूर इंक्रीज हो गया है बट देर इज नो स्ट्रेन बट देयर देयर टी एच ई आर ई वाला आएगा तो सर हम यह कह सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स से शेप चेंज नहीं करते तो स्ट्रेन जीरो होगा मैं इसमें यह वाली बात कहीं अद तक काफी तक ठीक है क्योंकि देखो सीधी सी बात है जो उनका डिजायर्ड अगर जो लेंथ है अंटी अनलेस तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो वो डिजायर्ड लेंथ चेंज नहीं होगा ठीक है तो अगर डिजायर्ड लेंथ चेंज नहीं होगा तो फिर स्ट्रेन भी नहीं आएगा तो यही बात बोलना ठीक है आ, लेकिन मैं तुम्हें एक और केस डिस्कस करूंगा जो तुम्हें समझ करके हैरानी होगी सुन करके ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर टेम्परेचर टी ही रहता तो मोलिक्यूल स्ट्रेन फील करते बिल्कुल अगर तुम्हें टेम्परेचर टी रखते और तुमने लेंथ बढ़ा दी होती तो फिर मोलिकुल्स चाहते हैं कि अरे लेंथ हमारी एल एलनोट चाहिए थी हमें और तुमने एल एलनोट प्लस अल्फा डेल्टा टी कैसे कर दी हम वापिस आएंगे लेकिन ये लेंथ अपने आप बढ़ रही है नेचुरली बढ़ रही है ठीक है तो इसमें कोई भी स्ट्रेन जो है वो अनुभव नहीं ये बिल्कुल वैसी बात होगी ना जैसे तुम भी बोल सकते हो कि सपोज करो तुम्हारी पढ़ने की औकात जो है वो पाँच छह घंटे दिन में ना तो अगर कोई तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम्हें बोले कि नहीं तू छह की जगह आठ घंटे पढ़ दो तो, तुम्हें स्ट्रेस फील होगा स्ट्रेन फील होगा लेकिन तुम खुद नेचुरली पढ़ते 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 तुम्हारी इतनी जो है वो हैबिट बन गई अब तुम आठ घंटे पढ़ सकते हो तो उसमें कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होता पर सर टेम्परेचर एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन की उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की अब पहले मैं इस लाइन को पूरा कर दूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम स्ट्रेस को ठीक से समझो जरा स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस किस कारण पैदा होता है मैं पहले इसको वो कर देता हूं यहां लेंथ जरूर इंक्रीज हो गया बट 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 स्ट्रेन जीरो है अरे यार बट स्ट्रेन जीरो है मैं एक बार कंप्लीट कर दू इसको तो अगर स्ट्रेन जीरो है तो फिर स्ट्रेस भी जीरो है ठीक है हां तो अब भाई तुम अब तुम अब देखो तुम गलत बात को पकड़ रहे हो मृदुल तुम पकड़ रहे होगी सर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो स्ट्रेन आएगा अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो

जब तक तुम, जब तक तुम बाहर नहीं निकालोगे तब तक, तक वो क्यों उसका विरोध करेगा जब ये यह रहना चाह रहे हैं और तुमने उनको यहीं पर रहने दिया, तो क्यों पैदा करेंगे अपने अंदर जो कि ये अपनी मर्जी से गए हैं अगर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा तो तब होगा ना जब तुम उसको खींच करके लेकर स्प्रिंग वाली बात है बिल्कुल अब तुमसे ये कह रहे हो यहाँ पर कि सर ये स्प्रिंग लगा हुआ है अब ये स्प्रिंग ऐसे रहना चाहते है ये दोनों जो ये जो है इसके जो सर्कल्स हैं ये इस पर्टिकुलर पोजिशन में रहना चाहते हैं जब तक तुम इनको स्ट्रेच करके इनका बीच का गैप बढ़ा ना दो या कंप्रेस करके इनके बीच का गैप घटाना दो तब तक ये क्यों वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो वही कहानी यहाँ पर है बस फर्क इतना सा है कि लेंथ बढ़ गई है लेकिन वो उन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ाई है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस टेम्परेचर पर ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही वाली बात ये जो मैंने रिलेट किया एग्जाम्पल पढ़ाई वाला बिल्कुल ठीक है कि छे घंटे का तुम्हारी पढ़ने की बात है अगर तुमने खुद आठ घंटे बढ़ा दिया तुम स्ट्रेस फील नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारा नेचुरली इंक्रीज हो गया ठीक है क्योंकि तुम एक साल से पढ़ रहे हो छे छे घंटे तो तुम्हारी एबिलिटी बन गई है कि अब तुम आठ घंटे भी पढ़ सकते हो ऑन दी अदर हैंड अगर तुम्हें जबरदस्ती कोई पेरेंट बोले या टीचर बोले बढ़ाए तो तुम उसका स्ट्रेस अनुभव करोगे अगर तुम आप उस लेवल तक नहीं पहुंचो सेम कहानी कुछ यहाँ पर भी है सॉर्ट ऑफ ठीक है अगर तुम उससे रिलेट कर पाओ तो मेन फंडा एक्सटर्नल फोर्स वगैरह इन सबको मत पकड़ो मेन फंडा क्या है कि क्या वो अपनी जिस लेंथ में रहना चाह रहे हैं उसी लेंथ में है या नहीं है अगर नहीं है तो स्ट्रेस अनुभव करेंगे और अगर उसी में है तो स्ट्रेस अनुभव नहीं करेंगे बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में तुम्हें यहाँ पे और दिखाता हूँ सपोज करो अब इसमें स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा देखना जरा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस में तुम्हें यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं तो लेट से तुम्हारी ये एक रोड है तुमने यहाँ पर ये यह दीवार ली यहां पर ये यह तुम्हारी दीवार है और यहां पर तुमने बीच में एक रोड फंसा दी यहाँ पे ऐसे इस रोड का लेंथ था एल नोट यंग मोडलस वाई एरिया ए टेम्परेचर टी सेम सवाल तुमसे पूछा गया है क्या सवाल पूछा गया है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज अच्छा और इसका जो थर्मल कॉफिशेंट है वो भी दे रखा है अल्फा ठीक है टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन रोड ठीक है सारे बच्चे हिंदी वाले भी समझ पा रहे हैं कि अगर ताप जो है वो डेल्टा टी से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल जो है वो रोड में कितना पैदा होगा ये सवाल पूछा गया ठीक है, है तो अब इसका सॉल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे हम क्या कहेंगे अब ये रोड चाह रही थी कितना लेंथ तक होना इसका जो डिजायर्ड जो लेंथ है वो क्या था अब अगर हम बात करें तो इसका जो डिजायर्ड जो लेंथ है वो है या डिजायर्ड बोलो या नेचुरल बोलो तो इसका नेचुरल लेंथ एट टी प्लस डेल्टा टी वो होगा एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी बट दीवार होने के कारण ये रोड एक्सपेंड नहीं कर पाई जब हम क्या लिखेंगे बट वोल होने के कारण और ये हमने मान लिया कि लेट से उसके में कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं आ रही है ठीक है वोल होने के कारण ये रोड एक्सपेंड नहीं कर पाई तो ये कितना एक्सपेंड कर जाना चाह रही थी एल नोट अल्फा डेल्टा टी और बढ़ जाना चाह रही थी एल नॉट तो था ही एल नोट अल्फा डेल्टा टी और बढ़ जाना चाह रही थी लेकिन दीवार के कारण नहीं बढ़ पाई तो हम यहां पर लिखेंगे L0, तो हम क्या लिखेंगे फिर नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर का कंप्रेसिव स्ट्रेन इसके अंदर हम मानेंगे मानेंगे है नॉट अल्फा डेल्टा टी का के बराबर का कंप्रेसिव स्ट्रेन रोड में होगा समझ पा रहे हो ये रोड चाह रही थी अपना लेंथ बढ़ाना लेकिन दीवार ने इसको जो है वो पकड़ लिया तो सारे मोलिकल कह रहे हैं अरे बढ़ो 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 टेम्परेचर बढ़ गया दूर चलो दूर चलो दूर चलो लेकिन दीवार कह रही है बेटा यहीं पर अब मोलिकूल क्या कह रहे हैं कि यार हम तो विरोध करेंगे इसका हम दूर जाना चाहते हैं लेकिन तू जाने नहीं दे रही तो मोलिकल्स एक फोर्स उनके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा है ना तो अब हम कह सकते हैं एल नॉट अल्फा डेल्टा टी यहाँ पर एक कंप्रेसिव स्ट्रेन की तरह व्यवहार करेगा ठीक है और मोलिकल क्या कहेंगे कि बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है तो मोलिक्यूल्स कहीं और जाना चाह रहे हैं भाई वैसे भी जनरल लाइफ में स्ट्रेस कब पैदा होता है जब तुम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं होते है ना चाहे तुम्हारे पास एक करोड़ रुपए हो लेकिन तुम्हें जाना है सौ करोड़ पर तो तुम स्ट्रेस में हो किसी आदमी के पास एक लाख रुपए हैं लेकिन वो एक लाख में कहीं भी जाना नहीं चाह रहा वो बोल रहा है कि मेरे को एक लाख सफिशियंट है तो वो स्ट्रेस में नहीं है सेम यहां पर जो मोलिक्यूल्स हैं ये जो है वो अपना लेंथ इनक्रीज कर लेना चाह रहे हैं तो जब ये चाह रहे हैं हो नहीं पा रहा है इसलिए ये स्ट्रेस के अंदर है ठीक है अगर कर लेते है ना ये भी तुम रियल लाइफ में देख सकते हो अगर तुम एक करोड़ तुम्हारे पास पैसे हैं तुम दो करोड़ में जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ तो तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा दो करोड़ में चले जाओगे है ना फिर आगे का सोचोगे तो फिर आगे मतलब बात अलग है है लेकिन अब तुम्हारे अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो अगर ये अल्फा डेल्टा बढ़ जाना चाह रही थी अगर बढ़ जाती तो कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होता लेकिन अब तुमने बढ़ने नहीं दिया तो अब स्ट्रेस जो है वो पैदा हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्ट्रेन जो है वो इतना पैदा हो गया तो स्ट्रेस हम अब निकाल सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेन का वैल्यू हमारा जो है वो हो गया है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी तो यहां हम बात करेंगे स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो कितना हो गया होगा यंग मोडलेस इन टू स्ट्रेन है ना और यहां पर हम स्ट्रेन का वैल्यू पुट कर देंगे तो स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो यहां पर निकल करके आएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी ये हमारा स्ट्रेस का वैल्यू निकल करके आ गया स्ट्रेस को तुम बोल सकते हो फोर्स अपॉन में एरिया भी ठीक है तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि दीवार पे कितना फोर्स लगा रही होगी तो ये रोड जो है वो दीवार पर फोर्स लगा रही होगी एल नॉट अल्फा ए डेल्टा टी है ना स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया तो इतना फोर्स ये जो है वो दीवार पर लगा रही होगी अगर मैं अपनी फोटो थोड़ी सी इधर उधर ले जाऊं कहीं मे भी ऊपर है ना हाँ तो हम यहां पर ये यह कह सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली क्या हो गया है फोर्स ऑन वॉल ठीक है दोनों साइड वॉल पर जो है इतना फोर्स लग रहा होगा ये स्ट्रेस आ गया तो जो मैंने आंसर स्टार्टिंग में दिया था जो तुम्हें जो देखो जो तुम्हें दिखने में कितना सही लग रहा था है ना अगर मैं आप पर आपको लेकर क्या चलो इसको थे। जो तुम्हें दिखने में कितना सही लग रहा था कि हाँ सर ये तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया लेंथ बढ़ गई लेंथ बढ़ गई कितना लेंथ बढ़ गई इतना तो इतना स्ट्रेन आ गया इतना स्ट्रेन आ गया इतना स्ट्रेस आ गया और ये आंसर गलत निकला बाद में यही आंसर आया कब आया जब तुम्हें उम्मीद नहीं थी जब रोड का लेंथ नहीं बढ़ा तब ये आंसर तुम्हारा निकल करके आया क्योंकि तब वो बढ़ जाना चाह रही थी और तुमने इसको बढ़ने नहीं दिया सॉरी माइक्रोफोन गिर गया हाँ। तो बढ़ना चाह रही थी लेकिन तुमने इसको बढ़ने नहीं दिया यहां पर देखो असल में लेंथ नहीं बढ़ा लेकिन फिर भी स्ट्रेन आया ठीक है तो अब मेरे ख्याल से तुम स्ट्रेन का डेफिनेशन अच्छे से समझ चुके हो कि स्ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि, कि कितना लंबाई बढ़ गया कितना लंबाई घट गया अगर हम लौंगी टूंल की बात करें वॉल्यूम की भी सेम ही तुम जो है वो एनर्जी लगा सकते हो

अब अगर ये सवाल आ जाए कि सर अगर मैं थोड़ा सा बढ़ने दूं है ना ऐसा भी होता है कि एल नोट अल्फा डेल्टा टी बढ़ना चाह रहा था लेकिन मैंने एल नोट अल्फा डेल्टा टी बाई टू बढ़ने दिया तो बाकी का जो रह गया उसके उसकी corresponding वो स्ट्रेन बन जाएगा और उससे उसके स्ट्रेस सपोज करो मैं तुम्हें यहाँ पर है ना बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ यहाँ पर ये यह? लेट से अगला मैं ले लू एक पेज पर पे और तुम्हें बातें बता दू ठीक है इसके अंदर एक आधी बातें और भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर है ना उससे पहले उस इंटरेस्टिंग बात से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आता तो हूँ अगर, अगर एक, तो एक और इंटरेस्टिंग बात आऊंगा सुन करके जो है तुम हो जाओगे कि अरे यार फिर मैंने ये भूल कैसे कर दी ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं ठीक है तो क्वेश्चन तो नहीं इसको तो कहूंगा खैर तो देखो जरा कि क्या वो कंसेप्ट है तो क्वेश्चन तो छोड़ो इसको कंसेप्ट ही तो कह सकता हूँ हाँ तो अब देखो जरा अब आधे लोग इसमें कहेंगे कि सर रुको जरा आपने पिछले क्वेश्चन में जो स्ट्रेन निकाला मैं उससे अच्छा मैंने एक गलती थोड़ी सी कर दी यहां पर वो तो मैं चलो ठीक कर देता हूं वो तो ऐसे हल्का सा मिस्टेक है ये तो चेंज इन ये तो थोड़ा सा चलो आ, ये तो थोड़ा सा, तो सा स्ट्रेन क्या होगा स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ तो किया ही नहीं हमने चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है तो स्ट्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल है ना तो यहाँ पर हमने उसको डिवाइड तो करेंगे ना एल नोट से सॉरी 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 उसको तो एनोन से डिवाइड तो करेंगे तो ये कट जाएगा ठीक है तो स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी के बराबर तो स्ट्रेस आ जाएगा यंग मोडस मैंने आगे तो ठीक लिखा है नहीं मैंने आगे भी तो ठीक नहीं लिखा यंग मोडलस आना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में वो सब कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है उसको तो हम अभी ठीक कर देते हैं अब भी ठीक करके देता हूँ जैसे वो होता है ना एक खट्टा मीठा में वो रोड रोलर को बोलता है तो लो ये तो अब भी ठीक करके देता हूँ मैं हाँ तो अब हमारा ठीक है यहाँ पे काम है ना ये तो तुम समझ गए ना मैंने क्या गलती से गलती कर दी ना गलती से ही गलती होती है तो ये यंग मॉडल आएगा ठीक है और यहाँ पर भी मुझे अब भी ठीक करके देता हूँ इसको तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर हूँ इसको अरे यार बार बार ग्रीन नहीं लेना भाई ग्रीन से तो लिखा हुआ है ब्लैक लो ठीक है यहाँ पर भी मैं एल नोट को हटा देता हूँ ठीक है तो तीनों से मैंने यहाँ पर एल नोट को हटा दिया है ठीक है अब मैं ग्रीन ले करके यहाँ पर एल नोट की जगह मैं पुट कर देता हूँ यंग मॉडल और और यहां पर भी मैं यंग मॉडल पुट कर देता हूँ ठीक है ठीक है तो ये छोटी सी गलती अपने से होगी थी वो तो तुम समझ रहे हो ना स्ट्रेन क्या होता है मैंने सिर्फ चेंज चेंज इन इन लेंथ लेंथ को लिख दिया स्ट्रेन होता है में ओरिजिनल लेंथ लेंथ तो ओरिजिनल तो यहाँ पे लिखना ही भूल गए थे ठीक है तो ये हमारा जो है वो कहानी हो गया होपफुली हमने पहले वाले में ये वाली गलती ना की हो पहले वाले में तो हाँ हमने नहीं की थी क्योंकि हमने डेल्टा एल बाई एल किया था ठीक है दूसरे वाले में हमसे ये गलती हो गई थी खैर एनीवेज पहले वाले में तो वैसे ही बात गलत थी पूरी पूरी ठीक है पहले वाला काटा मारने की जरूरत नहीं मैं दिया है मैंने लिख दी यहां पर रहूंगा हाँ अब मैं जो बताने वाला था तुम्हें इंटरेस्टिंग बात अब यहाँ पर जो है बच्चे कहेंगे अच्छा मैं ये बताने वाला था कि कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने स्ट्रेन जो लिखा है ना मैं उससे सहमत नहीं वो स्ट्रेन गलत है और मैंने देखा मैंने सच में ही गलत लिखा हुआ था ठीक है लेकिन ये भी गलत है अब इसमें ये मैंने जान मुझे गलती की है वो मेरे से गलती से हो गई थी ठीक है अब इसमें जो है वो क्या गलती है तुम कहोगे सर स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ या तो ओरिजिनल लेंथ लिखोगे ना तो चेंज इन लेंथ मान लिया आपकी बात कि एल नोट अल्फा डेल्टा टी है लेकिन ओरिजिनल लेंथ को एल नोट क्यों लिख दिया तुम तो कहोगे सर एल नोट थी ओरिजिनल लेंथ भाई वो तो टी टेम्परेचर पे थी अब टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल नोट प्लस अल्फा डेल्टा टी है तो तुम्हें यहां पर जो है वो एल नोट की जगह एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी लिखना चाहिए ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि एल नोट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है एल नोट अल्फा डेल्टा टी से तो एडिशन में मैं सिर्फ एल नोट ही लूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको एल नोट ही कहता हूं जिसके कारण जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो स्ट्रेन का सेम ही बनता है एल नोट ही बनता है तो आमतौर पर हम ये अप्रोक्सीमेशन मारते हैं तो स्ट्रेन को मैं करीब करीब अल्फा डेल्टा टी ही लिख देता हूं लेकिन टेक्निकली ये गलत है टेक्निकली ये होना चाहिए ठीक है अगर तुम बिल्कुल हंड्रेड परसेंट करेक्ट की बात करोगे ठीक है तो ये है विद अप्रोक्सीमेशन तुमने विद अप्रोक्सीमेशन तुमने इसमें एक जो है अप्रोक्सीमेशन लिया है वो क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है कि एल नोट अल्फा डेल्टा से जो कि होता है लेकिन अगर तुम्हें हंड्रेड परसेंट जो है वो करेक्ट बात लिखनी है तो वो ये होगी कि स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो तुम्हारा निकल करके आएगा एल नोट एनोट कर जाएगा तो आएगा अल्फा डेल्टा टी अपन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो ये तुम्हारा हालांकि अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है अल्फाउन की पार माइनस सिक्स माइनस फाइव ऐसे डेल्टा डी क्या होता है पचास साठ तो ये बहुत ही छोटा होता है तो ये अप्रोक्सिमेशन ठीक है ये गलत नहीं है ठीक है तो तुम समझ रहे हो पूरी पूरी बात अगर मैं पूरी पूरी बात को अब रिपीट करूं कि यहां पर जो है अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और लेंथ बढ़ गया जो कि बढ़ना चाह रहा था और बढ़ भी गया तो कोई भी स्ट्रेन पैदा नहीं हुआ कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं हुआ स्ट्रेन भी जीरो स्ट्रेस भी जीरो ठीक है ये हम रीजन इसका देख चुके हैं यहां पर अगर तुमने टेपरेचर बढ़ाया वो बढ़ना चाह रहा था लेकिन तुमने दीवार उसको बढ़ने नहीं दिया तो इसके कोरस्पॉ का एक स्ट्रेन पैदा होगा तो स्ट्रेन हमने ये लिखा ओरिजिन लेंथ हमें टेक्निकली एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखना चाहिए था इन में लेकिन हमने यहां पर एल नॉट ही लिखा हुआ क्योंकि वो एक वैलिड अप्रोक्सीमेशन है उसके हिसाब से हमारा ये आंसर आता है लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हमें इस चीज का भी यूज करना पड़ जाता है मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है मैं वो क्वेश्चन तुम्हें तो कराऊंगा अभी ठीक है और साथ में ही मेरे पास यहां पर यह भी हम बात डिस्कस करेंगे कि भाई अगर जो है हम कुछ अलाउ कर दें उसको बढ़ने के लिए तो फिर क्या होगा तो जितना अलाव नहीं करेंगे सपोज करो ये बढ़ना चाह रहा था एल अल्फा डेल्टा टी तो मैं एल अल्फा डेल्टा टी बाई फोर को अलाउ कर दूं तो थ्री

उसका कोई भी लेंथ होगा उसको हीट करके उसका टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय टी ठीक है और ये ऐसे दीवार में बंधी हुई है ठीक है तो फिर बाकी सारी चीजें दे रखी हैं यहां पर ठीक है ना कि एरिया जो है वो ए है यंग मोडल्स वाई है एरिया ए है वो अल्फा है ये सारी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ठीक है ठीक है तो सवाल यहां पर ये यह पूछा था असल में यहां पर दीवारें नहीं थी अगर तो तुम असल में बात करो तो असल में सवाल कुछ इस तरह से था मैं थोड़ा सवाल को मॉडिफाई कर रहा था असल में यहां पर ऐसे दीवारें नहीं है हाँ तो सवाल ये पूछा गया है कितना अच्छा कितना भी मैंने हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया कितना कंप्रेसिव फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि रोड एक्सपेंड ना करे ठीक है तो जाहिर सी बात है जो हमने पिछले वाले केस में निकाला था हमने क्या निकाला था कि वो जब रोड एक्सपेंड करती है तो एक स्ट्रेस पैदा होता है स्ट्रेस से हमने फोर्स भी निकाला था तो जितना रोड दीवार पे फोर्स लगाई है उतना ही दीवार भी रोड पे लगा रही है तो बेसिकली तुम्हें वही निकालना है स्ट्रेस निकालो स्ट्रेस से फोर्स आ जाएगा फोर्स ही तुम्हारा आंसर होगा जो रोड दीवार पे लगा रही है ना जो रोड दीवार पर, पर लगा रही है वही फोर्स दीवार भी रोड पर लगा रही है ठीक है तो इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल होपफफुल चलता रहे ठीक है तो अब देखो जरा इसमें क्या हम आंसर करेंगे सारा सारा सेम आंसर होगा लेकिन इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे देखो जरा कैसे इसमें तुम्हें आंसर करना होता है कैसे तो मैं दिमाग लगाना है कि इस बार मुझे तो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं वही बोलूंगा तो एक्सपेंड इसको नहीं करने देंगे तो डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा एल नॉट जो भी हमने मान लिया और अल्फा डेल्टा टी ठीक है और यहां पर हमारा स्ट्रेन जो है ये हो जाएगा एल नोट अल्फा डेल्टा टी अपॉन में आमतौर पे हम एल नोट करते हैं लेकिन जो ऑप्शन आ रहे हैं है ना अगर ऑप्शन इस प्रकार के ना होंगे अल्फा अल्फा डेल्टा डेल्टा तो फिर हम हमेशा नोट ही लिखा करेंगे में हम नोट ही लिखा करेंगे लेकिन एक आधा जो है रेयर केस ऐसा होगा जहां पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं कि हम मजबूर हो गए हैं यहां पर हमें एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी लिखना पड़ रहा है तो अगर ये हम लिख देंगे तो एल नोट कट जाएगा तो यहां से स्ट्रेन हमारा जो है वो निकल करके आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी अपॉन में वन प्लस अल्फा डेल्टा टी तो फिर हमारा स्ट्रेस जो है वो यंग मोडल से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स के लिए एरिया तो फोर्स के लिखेंगे यंग में में एरिया स्ट्रेन ठीक है तो स्ट्रेन इंटू में यंग मोडल होगा स्ट्रेस स्ट्रेस इंटू में एरिया हो जाएगा फोर्स तो अब हमारा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा यंग मॉडल एरिया और स्ट्रेन का वैल्यू होगा अल्फा डेल्टा टी को हम टी लिख सकते हैं अपॉन में वन प्लस में अल्फा टी ठीक है तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा तो ये तुम्हें ऑप्शन से जज करना है यहाँ पर कि ओरिजिनल लेंथ 99% केसेस में ओरिजिनल लेंथ तुम्हें नोट ही रखनी है हाँ अगर ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे हैं तो फिर हमें समझना होगा कि एग्जामिनर यहां पर क्या चाह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना चाहिए ठीक है अब अगर मैं कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन ले लू तो तुम बड़ी आसानी से कर दोगे मैं जानता हूं अगर मैं क्वेश्चन ये ले लूँ कि दीवार कुछ इस तरह से थी ठीक है और लेट से ये कुछ ऐसे, ऐसे कहानी थी ठीक है ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई रोड ठीक है ये कहाँ रखी हुई है हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी है ठीक है तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो गैप है है ना ये जो गैप है ये देर है अपने को ये है लेट से एल नोट अल्फा डेल्टा टी बाय फोर ठीक है ये गैप दे रखा है इसका एल नोट है और तुमने बोला कि टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी फाइंड फोर्स ऑन वॉल ठीक है और वो सब चीजें दे रखी है एरिया ए है टेम्परेचर तुमने डेल्टा टी से बढ़ाया है ठीक है तो वो सब चीजें गिवन है अल्फा भी गिवन है ठीक है तो ये सारी चीजें दे रखी हैं तो यहाँ पर ये गैप इतना है ठीक है यानी इतना तुम अलाउ करोगे बाकी अलाउ नहीं करोगे ठीक है तो ये बड़ी आसानी से तुम इसका आंसर बता पाओगे मैं जानता हूँ सारे इसका आंसर दे देंगे तो इसलिए मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा हूँ <laughs> क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे इसका आंसर दे देंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे एल नोट अल्फा डेल्टा टी बढ़ना चाह रही थी बढ़ना चाह रही थी पर बढ़ी कितना पर एल नोट बाय फोर अल्फा डेल्टा टी ही बढ़ पाई तो फिर हम क्या लिखेंगे तो डेल्टा एल कितना हो गया एल नॉट बढ़ना एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बढ़ना चाह रही थी और इतना तो बढ़ गई इतना तो बढ़ गई उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो कितना और बढ़ना चाह रही थी थ्री बाई फोर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी और बढ़ना रह गया जो कि अब स्ट्रेन का कारण बनेगा तो स्ट्रेन यहां पर आ जाएगा थ्री बाय फोर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल नॉट अब उसके पीछे मत पड़ जाना इसे एल नॉट क्यों लिख रहे हो एल नोट प्लस वन अल्फा डेल्टा टी लिखो नहीं हमेशा एल नोटी लिख करके चलेंगे ठीक है इतना आ गया स्ट्रेस तो हमारा फोर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा इसको यंग मॉडल से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्ट्रेन तो है थ्री बाई फोर अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो मेरी ख्याल से तुम्हें बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को ठीक है इस तरह से हमें जो है वो इसके अंदर काम करना होता है ठीक है इस तरह से हमें इसमें काम करना ठीक है अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो केस बनता है उस केस को भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूं उसमें हमें करीब करीब लगी जाएगा तो आज का लेक्चर पूरा इसी में लगा देते हैं और इसको खत्म कर देते हैं ठीक है ऑप्टिक्स हम जो है फिर वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे ठीक है अभी तक जो हम कर रहे थे जेई मेन्स की बात थी लेकिन अब जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारी खटिया जो है वो खड़ी हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है सुन के ही तुम्हें लगेगा कि अरे ये एकदम से कहाँ से कहाँ ले गए आप लेकिन ये टॉपिक कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा समय खराब करेंगे ठीक है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कि हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो तुम्हें एकदम से लगेगा अरे वो बात सीधी फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर चली गई बीच में सीढ़ियाँ तो आई नहीं लिफ्ट का इस्तेमाल कर लिया गया है ना लेकिन कोई बात नहीं आ、मैं थोड़ा सा स्कूल रोड को थोड़ा इलोंगेटेड ले लेता हूँ ना मे बी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा उससे अपने को ठीक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर यह एक रोड है भाई और ये एक दूसरी रोड है जो इसके साथ लगी हुई है दो रोड है ठीक है इस वाली रोड का सब कुछ वन वन है उस वाली रोड का सब कुछ है, टू टू है समझ गए भी तुम ये है एल वन यंग मॉडल वाई वन एरिया ए वन और कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो अल्फा वन इसका सब कुछ टू टू है एल टू वाई टू ए टू अल्फा टू ठीक है अब तीन सवाल उसने हमसे कौन कौन से पूछे इसके अंदर पहला सवाल उसने पूछा है अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि पहले तो ये बात बोली टेम्परेचर तुमने डेल्टा टी से बढ़ा दिया ठीक है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी तो तुमसे तीन सवाल पूछे पहला सवाल तुमसे पूछा गया है फाइंड uh, डिस्टेंस मूव बाय ज्वाइंट ठीक है हालांकि तुम तो अभी नहीं हो ज्वाइंट व्वाइंट के लायक लेकिन कॉलेज के बच्चे होते तो कुछ और मतलब निकाल लेते इसका क्या तुम तो शरीफ बच्चे सारे सारे तो यहां पर जो है ये ज्वाइंट जो है दोनों का ये कितना मूव करेगा इधर चला जाएगा या उधर जाएगा जितना जाएगा किधर जाएगा और कितना जाएगा पहला सवाल ये नो no बाय ये जवाब गलत है ठीक है वो तब होता जब दोनों का सब कुछ सेम होता ठीक है यहाँ पे अगर एक तुम लोहे की रोड लगा दोगे रबड़ की लगा दोगे ना रबड़ नहीं लगाओ लगाओलेट से कोई और मेटीरियल जो एक्सपेंड करता हो तो लोहे की तो दमदार होगी ना वो तो खींच देगी उसको दूसरा फोर्स हो गया यहाँ पर फोर्स एग्जर्टेड ऑन ईच अदर दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे और तीसरा यहां पर जो है वो सवाल हो गया है फाइंड कंडीशन सो दैट ज्वाइंट डजेंट मूव तो ये तीन सवाल तुमसे पूछे गए हैं पहला सवाल कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा टी तो तीनों में कॉमन है तो ये ज्वाइंट जो है कितना मूव करेगा किधर मूव करेगा ब्लू वाला कम हो जाएगा ब्लू वाली साइड जाएगा येलो वाली साइड जाएगा मतलब येलो वाली वाली का लेंथ कम या ब्लू वाली का लेंथ लेंथ कम कम होगा होगा या या ब्लू किसका बढ़ेगा दोनों रोड एक दूसरे तो पर कितना फोर्स लगाएंगे और जो ज्वाइंट मूव ना करे उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए अच्छा एक चीज यहाँ पर दे रखी है दोनों का एरिया सेम है तो ये भी मैं बोल दूं कि ये चीज हमें मेंशन कर रखी है कि ए वन इज इक्वल टू ए टू ये ठीक है।, है अब हिंदी में तो मेरे थर्ड में तो सब इक्वल होने चाहिए तभी ज्वाइन मूव नहीं करेगा नहीं ये भी जवाब गलत है विशाल सब नहीं कुछ रेशियो मल्टीपिकेशन इक्वल होना चाहिए कोई जरूरी नहीं फैक्टर है फैक्टर इक्वल हो गया ना जैसे अगर किसी का रेजिस्टेंस तुम्हें सेम करना है दो वायस का तो रिश्त होता है रो एल बाय तो जरूरी नहीं है कि तुम रो भी सेम रखो एल भी सेम रखो ए भी सेम रखो हो सकता है तीनों अलग अलग हो लेकिन तीनों का जो मल्टीपेशन डिवीजन है वो सेम बन जाए तो सेम सेम हो सकता तो है कहानी कुछ यहां पर भी बनेगी ठीक है हिंदी में तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना बच्चों तो इसका सॉल्यूशन हो सकता तो है एक पेज पे आए ना ठीक है तो हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं अब पहली चीज जो हम यहां पर बोलेंगे वो हम ये बोलेंगे कि जो दोनों जो वो जो दोनों जो रोड हैं एक दूसरे पे फोर्स बराबर लगाएंगे भाई अलग अलग फोर्स तो नहीं लगा सकते ठीक है तो अगर ये एफ लगा रही है तो ये भी एफ ही लगाएगी ये वाली बात तो क्लियर है क्योंकि न्यूटन के हम बोल सकते हैं भाई अगर मैं ये दो मुठिया ऐसे कर रहा हूं तो एक मुठ्ठी पे जो मेरा फोर्स लग रहा है चाहे मैं इससे लगाऊ इससे मैं ज्यादा लगा रहा हूं इसको मैंने सिर्फ रोक के रखा हुआ लेफ्ट वाले को मैंने सिर्फ रोक के रखा राइट वाले से मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ फोर्स तो दोनों के बीच में बराबर आएगा ना दोनों बराबर ही एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स तो है ना अगर तुम्हारे टीचर थप्पड़ भी मारता है तो तुम्हारे गाल पे मारता है इसलिए तुम्हारे लगता है अगर वो तुम्हारे हाथ से हाथ पे मारे तो तो फिर हो सकता है कि टीचर को दर्द ज्यादा हो अगर बच्चे की सहन शक्ति ज्यादा है ना तो तो गाल तो सॉफ्ट पार्ट होती है इसलिए अपने लगता है है जोर से ना लगता तो टीचर को समझ गया ना तुम तुम्हारी बात थो? तो फोर्स तो यहाँ पर जो है वो दोनों का बराबर ही होगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है अब स्ट्रेस भी फिर बराबर होना चाहिए ठीक है तो लिखेंगे फोर्स इससे तो हमें दिख नहीं रहा में भी इससे दिखेगा चलो दिख रहा है दिख रहा तुम्हें ये पिंक कलर दिख रहा है तुम्हें तो इसमें तो कोई विजिबिलिटी में दिक्कत तो नहीं है तो फोर्स होपफुली नहीं होगी तो फोर्स हम यहां पे लिखेंगे कि फोर्स तो फोर्स दोनों एक दूसरे पर बराबर लगाएंगे ठीक है तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा बच्चों फिर सेम हो जाएगा क्योंकि एरिया सेम है तो एफ वन बाय ए वन ये है स्ट्रेस वन और एफ टू टू ये है इसको तो हम यहाँ पे क्या लिखा इसको तो कोमल लगा देते हैं यहाँ पे ये है स्ट्रेस टू तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज एफ वन इज इक्वल टू एफ टू एंड ए वन इज इक्वल टू ए टू क्या अब हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस वन इज इक्वल टू स्ट्रेस टू और स्ट्रेस जो है वो होता है यंग मोडलस इंटू में स्ट्रेन वन इज इक्वल टू यंग मोडलस टू इन टू में स्ट्रेन टू तो बात यहां तक खींच गई है बात अपने यहां तक आ गई ठीक है थोड़ा इसको इधर ले जाते हैं तो अब देखो जरा अब हो क्या गया क्या अब तुम मानोगे कि ज्वाइंट मूव कर गया है तुम कहीं भी मान लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे उसको उधर ले जाओ मैं ऐसा काम करता हूं जहां से जहां मैंने नोटबुक में जहां पर मैं मूव किया है वहीं पर यहां पे मूव कर लेता हूं ताकि अपना आंसर मैच कर सके और हम उसको देख सकें ठीक है।, है तो रो मैंने अगर देखूं तो मैंने यहां पर जो है पहले वाले को मैंने कम किया है ठीक है तो यहां पर मैं ऐसे यहां पर कर देता हूं लेट से

तो अब देखो जरा यहां पर क्या कहानी होगी स्ट्रेन वन कितना आएगा उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं वाई वन हो गया ओरिजिन यहां पर एल वन लेके चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो अब ये जो रोड जो है ना यहां पर हाँ तो मैंने थोड़ा ये गलत मान लिया हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं मैक्स यहां पे मान सकता हूं लेकिन मैंने असल में जो यहां पर जो मैंने मैक्स माना हुआ है वो मैंने माना हुआ है उधर की तरफ ठीक है मैंने थोड़ा सा गलत उसको देख लिया

ये अगर ये ज्वाइंट यहां से यहां चला जाएगा सपोज करो ये रोड तुम्हारा बढ़ना चाह रही थी ये रोड कितना बढ़ना चाह रही थी ये रोड बढ़ना चाह रही थी एल वन अल्फाइन मैंने इसे बढ़ने दिया है मैंने कितना बढ़ने दिया है? इसको एक्स बढ़ने दिया है तो अगर तुमने एक्स बढ़ने दिया है यहां पर तो जो बाकी जो बच गया उसके कोरोस्पोडिंग ही तो स्ट्रेन आएगा ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ये रोड बढ़ना चाह रही थी एल वन अल्फा डेल्टा टी क्या तुमने इसको बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया नहीं बढ़ने दिया कितना बढ़ने दिया एक्स बढ़ने दिया तो कितना नहीं बढ़ने दिया एल वन अल्फा वन डेल्टा टी माइनस एक्स इतना नहीं बढ़ने दिया तो ये स्ट्रेन में तुम्हारा रिजल्ट करेगा ठीक है दूसरा देखो जरा वाई टू अब ये रोड बढ़ना चाह रही थी कितना एल टू अल्फा टू डेल्टा टी इतना यह बढ़ना चाह रही थी तुमने बढ़ना तो छोड़ो बढ़ने के तो भूल ही जाओ बढ़ना तो तुमने बढ़ने तो तुमने इसको दिया ही नहीं बल्कि इसको कंप्रेस और कर दिया तो ये है ना अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम्हें जो है वो हजार रुपए चाहिए थे तो तुम्हें हजार अब मैंने तुम्हें दे दिए सात सौ रुपए तो तुम्हारा स्ट्रेस कितने का रहेगा तीन सौ का रह गया वो था ये वाला केस तुम्हें हजार रुपए चाहिए मैंने तुम्हें सात सौ दे दिए तो एक्स सात सौ हो गया तो तीन सौ का तुम्हें अब जो रह गया स्ट्रेस रह गया तीन सौ का तुम्हें जो है तनाव रह गया ठीक है अब अगर तुम्हें चाहिए थे हजार रुपए है हाँ ना और मैंने तुमसे छीन लिए तुम्हारे पास लैसे पांच सौ रुपए थे तुम्हें हजार रुपए और चाहिए थे और मैंने तुम्हें पांच रुपए छीन लिए सात सौ रुपए छीन लिए से रुपए थे तुम्हारे पास तो अब तुम्हें जो स्ट्रेस है वो हजार का नहीं रह गए सत्रह सौ का हो गया कह रह रहे मेरे को हजार तो चाहिए थे थे वो भी चले गए तो मेरे को सात सौ वो भी चाहिए है ना तो यही कहानी इस रोड के क्या हुई येलो वाली रोड के क्या ये बढ़ना चाह रही थी एल टू अल्फा टू डेल्टा टी वो तो तुमने बढ़ने नहीं दिया साथ में तुमने इसको कंप्रेस भी कर दिया तो ये तो अपने आप बढ़ना चाह रही थी प्लस एक्स ये भी इसको बढ़ना था और तुमने कंप्रेस कर दिया वो भी इसको कंप्रेस नहीं होना था क्योंकि दोनों ही रोड बढ़ना चाह रही थी ना लेकिन एक ही रोड बढ़ पाएगी क्योंकि मजबूरी है यहाँ पर है ना तो दोनों कैसे बढ़ पाएंगी नहीं तो फिर वो दीवार वो हो जाएगी दीवार को खिसकना पड़ेगा दीवार खिसक नहीं रही है ठीक है तो ओरिजिन यहाँ पे कितना था एल टू था तो ये दोनों हमने क्या कर दिया यहाँ पर बराबर कर दिए अगर ये हमने दोनों यहाँ पे बराबर कर दिए तो अब मैं यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं एक्स का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या मैं सोल्व करके दिखाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लिख दू तुम इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना एक्स वाली टर्म को एक्साइड करेंगे और बाकी टर्म्स को एक्साइड करेंगे और फिर जो भी एक्स के मल्टीप्लाई में था एक्स को कॉमन लेंगे जो मल्टीप्लाई में आएगा उसको डिविजन में भेजेंगे तो मैं यहां बात डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना क्योंकि हमारा तो टाइम बच जाएगा इसमें है ना ये तो कैलकुलेशन ही है इतना तुम समझ रहे हो यहां से जो मेरा एक्स का वैल्यू निकल करके आएगा वो निकल करके आ रहा है वाई वन सॉ वाई वन ना यंग मोडल पहले का अल्फा वन माइनस वाई टू अल्फा टू अपोन में वाई वन बाय एल वन प्लस में वाई टू बाय टू इंटू में डेल्टा थीटा ये अल्फा टू है इंटू में डेल्टा टी ये मेरा यहां पर एक्स निकल करके आ रहा है अब देखो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा जब वाई वन अल्फा वन बड़ा होगा तो वाई वन अल्फा वन अगर बड़ा हुआ तो हमें याद नहीं रखना है इसको तुम देख के यहां से बोल पा रहे हो और ये भी तुम्हें याद नहीं रखना ये फॉर्मुला कोई ऐसा नहीं जो तुम याद रखो हाँ तुम्हें बार बार इसको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना तो वाई वन अल्फा वन तुम्हारा अगर बड़ा हुआ तो एक्स पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव आएगा मतलब जो तुमने माना है कि ये ज्वाइंट इधर मूव करेगा वो उधर ही मूव किया है अगर y1 वन अल्फा वन छोटा हुआ तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में ज्वाइंट मूव करेगा कितना मूव करेगा इतना मूव करेगा तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया

मे बी मेरा सबसे फेवरेट कलर कौन सा है यहाँ पर मैं पर्पल ले लेता हूँ चलो ठीक है uh, कुछ एक किसी का बच्चे का मैसेज आया तो मैं देख लेता हूँ मैसेज क्या है सर अगर ज्वाइंट वेल्डेड हो तो भी यही रहेगा या चेंज होगा एक बार रुको जरा वेल्डेड को तो वेल्डेड का मतलब क्या हुआ मतलब रोड तुम्हारी रोड यहां पर कोई ज्वाइंट थोड़ी हो रहा है रोड कंप्रेस या वो हो रही बाकी मैं सोच सोच लेता हूं इसके ऊपर ठीक है जो कि ये क्वेश्चन मैंने कोई पहले सोचा नहीं है मैं इसके बारे में सोच लेता हूं आ, लेकिन पहले अपन मुद्दे से भटकते नहीं है वो सारी बातें जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ठीक है हाँ तो अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें थर्ड वाला पार्ट अगर हमें एक्स को जीरो करना है अगर हम चाहते हैं ज्वाइंट मूव ना करें ठीक है तो अभी पहले थर्ड वाला निकाल लेते हैं थर्ड वाला क्या हो जाएगा आ, कि ज्वाइंट जो है वो मूव अगर नहीं करे ज्वाइंट मूव नहीं करे तो हम इसके लिए बोलेंगे इसके लिए x का वैल्यू होना चाहिए जीरो और यहां से अगर हम देखें x का वैल्यू जीरो तब होगा जब y1 वन अल्फा वन वाई टू अल्फा टू के बराबर होगा तब तो हम लिखेंगे y1 वन अल्फा वन इज इक्वल टू वाई टू अल्फा टू अगर होगा तो तुम्हारा ज्वाइंट जो है वो मूव नहीं करेगा ठीक है तो ये कंडीशन आ गई सब कुछ बराबर होना जरूरी नहीं है दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बराबर होना चाहिए ठीक है अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे सेकंड वाले पार्ट में अब हम कैसे करेंगे भाई अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा तो हमें स्ट्रेस निकालना पड़ेगा स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेन निकालना पड़ेगा स्ट्रेन निकालने में देखो सब कुछ तो मालूम है क्या नहीं मालूम एक्स नहीं मालूम तो एक्स यहां से आ गया है तो अब अगर मैं इसको कोई इक्वेशन नंबर वन बोल ठीक है दूर चलो मैं ये बोल देता हूँ मैं ऐसे बोल देता हूँ स्ट्रेन है ना यही है मेरा स्ट्रेस वन ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं देखो जरा तो स्ट्रेस वन जो है मेरा क्या है भाई फोर्स दोनों सेम लगा रहे हैं तो वन से निकालू सेकेंड से निकालू फर्क नहीं पड़ता तो स्ट्रेस वन जो है अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या है आ, ये है तुम्हारा ना ये स्ट्रेस वन इधर तो ये कितना है, तो है? आ, y1 वन बाई एलवन और यहाँ पर हो गया l1 वन अल्फा डेल्टा t माइनस में x यही है ना हमने गलत तो नहीं लिखा y1 आ, l1 वन अल्फा वन डेल्टा t माइनस एक्स बाय वन ठीक है तो यही लिखा है मैंने यहां पर l1 वन अल्फा वन लिख देता हूं डेल्टा t माइनस एक्स बाय वन ठीक है तो बाई एलवन तुम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो अब एक्स का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ठीक है पुट नहीं करेंगे ठीक है गेट स्ट्रेस तो स्ट्रेस अगर आ जाएगा तो फिर एफ भी आ जाएगा ठीक है तो स्ट्रेस वन बोलो स्ट्रेस टू बोलो दोनों बराबर ही है अगर एरिया सेम है तो अगर एरिया अलग अलग है तो फिर वो दोनों का वैल्यू यहां पर अलग अलग होगा ठीक है फोर्स सेम रहेगा तब भी क्योंकि फोर्स अलग अलग नहीं हो सकता वो न्यूटन लॉ ऑफ वो हो गया है ना न्यूटन थर्ड लॉ हो गया ये तो दोनों एक दूसरे बराबर लगाएंगे हाँ स्ट्रेस का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग आएगा फोर्स लेकिन वहां पर भी सेम ही निकल करके आएगा ठीक है तो ये हमने तीनों पार्ट का आंसर कर दिया मैं दोबारा रिपीट कर दूं मैंने बोला क्वेश्चन लेंदी था क्वेश्चन मुश्किल था और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद रखने सारी सारी चीजें बस तुम्हें चीज़ों को समझना है समझना ज़रा दोबारा ज्यादा मुश्किल नहीं तुम चीजों को देखो हाँ अगर तुमने नहीं किया है तो एक से स्ट्राइक नहीं करेगा ऐसा क्वेश्चन जरूर है दो रोड थी दोनों का ये और ये कबाड़ दे रखा था टेम्प एरिया दोनों का सेम दे दिया अगर एरिया अलग अलग हो तो अभी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है फिर हमारा यहाँ पर जो है वो स्ट्रेस हम दोनों का सेम नहीं कहेंगे ठीक है स्ट्रेस लेकिन फोर्स तो सेम कर सकते हैं ना फिर हम क्या करेंगे हम 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 करके चलेंगे अभी हम क्या क्या किए स्ट्रेस हमें फिर फोर्स बराबर करनी पड़ेगी करेंगे पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको स्ट्रेस अगर ये तो फोर्स क्या होगा ए वन आ जाएगा ए टू आ जाएगा तब कंडीशन जरूर जो है वो बदल जाएगी इसकी ठीक है ये कुछ अलग तभी मैं कह रहा हूँ याद नहीं करना है इसको ठीक है क्योंकि एरिया मैंने सेम लिया कल को एरिया अलग भी आ सकता है तो मैं याद नहीं करना है इसको ठीक है तो अब क्या था क्वेश्चन में दोबारा से हल्का सा रिपीट कर दूं अगर तो रोड थी ये कबाड़ ये कबाड़ दे रखा था एवन एट यहाँ पे बराबर दे रखा था हमने बोला अगर फोर्स तो बराबर होती ही होंगी फोर्स तो बराबर होंगी होंगी अगर एरिया भी बराबर है तो फिर मैं स्ट्रेस को सेम लिख सकता हूँ ठीक है पूछा था डिस्टेंस ज्वाइंट जो है ज्वाइंट कितना मूव करेगा तो यहां पर हम ये वाली बात बोल पाएंगे कि डिस्टेंस जो है वो लेट से एक्स मूव कर गया तो फिर हमने क्या किया दोनों का स्ट्रेस इक्वल किया था तो जैसे एक्स मूव किया अब तो एक क्वेश्चन कितना आसान बन गया कि बढ़ना चाह रही है एलेवन अल्फा डेल्टा टी तो हमने बढ़ने दिया एक्स तो कितना नहीं बढ़ने दिया दोनों को माइनस कर दिया ठीक है वो तुम्हारा चेंज इन लेंथ आ गया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन आ गया इनटू में यंग मोड स्ट्रेस आ गया दूसरी वाली रोड जो है वो बढ़ना चाह रही थी सॉरी दूसरी वाली रोड जो है वो बढ़ना चाह रही थी तुमने उसको बढ़ने तो दिया ही नहीं साथ में तुमने कंप्रेस और कर दिया तो उसको तुमने कंप्रेस और कर दिया है भाई तो वो तो दोनों ही तुम्हारा जो है वो स्ट्रेन में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर तुम्हारे वो दोनों ही आ गए हैं ठीक है इससे हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया और एक्स का वैल्यू अगर हमें जीरो पुट करना जो कि थर्ड क्वेश्चन था तो ये दोनों बराबर होने चाहिए और फोर्स कितना होगा तो यहाँ पर हम एक्स को पुट कर देंगे तो ये स्ट्रेस वन निकलाएगा स्ट्रेस वन निकलेगा, तो एव, एरिया एवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेन निकल कर सॉरी फोर्स निकल करके जाएगा ठीक है फोर्स का वैल्यू दोनों में बराबर आएगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अगर एरिया सेम ना होता तो हम क्या करते क्या हम स्ट्रेस को बराबर करते नहीं फिर हम फोर्स को बराबर करते फोर्स और स्ट्रेस में फर्क क्या है एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ए वन मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे ए टू मल्टीप्लाई होता है और कंडीशन कुछ अलग निकल करके आती जो कि शायद बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती होगी शायद इसीलिए मैंने ए वन ए टू बराबर ले रखा है ठीक है होता है जो ऐसी कंडीशन ये वाली तो कंडीशन ठीक निकल करके आ गई यहाँ पर ना तो लेकिन अगर हम सपोज करो एरिया बराबर ना लें ये तो कंडीशन ठीक ठाक निकल करके गई है ना एक्स इज इकल टू जीरो अगर हम बराबर ना लें तो होता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रही हो ठीक है मे बी मैंने कभी ट्राई नहीं किया तुम ट्राई कर सकते हो उसको तो ये तुम्हारा जो है दिस वॉज ऑल अबाउट थर्मल स्ट्रेस हाँ क्वेश्चन तो तुम और कितने भी कर सकते हो लेकिन मैंने जो दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं उसमें जेई मेन्स भी मेरे ख्याल से कवर हो गया है और इस वाले क्वेश्चन का जेई एडवांस भी कवर हो जाएगा इसके अलावा तो इसमें क्वेश्चन छोटे मोटे बन सकते हैं ठीक है वो तो तुम प्रैक्टिस करना मैं उसमें कुछ नहीं जा रहा हूँ ठीक है लेकिन ये तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस का पूरा पूरा थ्योरी हो गया ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते इस पर हमने काफ़ी समय दे दिया एक पूरा पूरा लेक्चर दे दिया इसको है एक डेढ़ घंटा तो ये हमारा इतना ही है ठीक है पूरा पूरा थर्मल स्ट्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम इसकी ज़रूर करना और